Hey guys, what's up? Welcome back to a new vlog. और finally आज मैं एक और वीडियो आपके लिए आया हूँ और आज मैं ब्लॉगिंग शर्ट में शूट कर रहा हूँ और पीछे लाइट भी जली। तो बेसिकली अभी जस्ट मैंने एक वीडियो कंप्लीट किया है, वो है कंपैरिजन का बिटवीन मीडियाटेक डायनेस्टी 800 ड्यू वर्सेस क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 695। अगर आप टेक्निकल वाले वीडियोस में थोड़ा सा भी मतलब स्मार्टफोन वाले वीडियोस में थोड़ा सा इंटरेस्टेड है तो ज़रूर उसे चेकआउट कर सकते हैं। और पीछे कुछ सामान पड़ा है, जैसे कि मैंने बताया कि सुबह मॉर्निंग का टाइम है तो वो वीडियो मुझे तुरंत देना था, सो मैंने अपने सोने वाला सामान है वो भी नहीं उठाया। अगर बुरा लगे तो इग्नोर कर देना। सुबह सुबह यार कमाल था, मतलब सुबह 6 बजे उठा, उसके बाद इतना बढ़िया मौसम देखा, बाहर एकदम बारिश हो रही है, तो देख लो जाली से दिख रहा है कुछ इस तरह से, यहाँ पे पानी बरस रहा है और आज जो है असल वाले मानसून का जो फीलिंग होती है वो आ रही है, लगातार बरस रहा है सुबह। एक प्रॉब्लम जो इस लॉकडाउन में इस पैंडमिक में हम सभी ने झेली है वो प्रॉब्लम है कपड़ों के शॉर्टेज की। तो भाई क्या है, ऐसा तो नहीं है कि यहाँ पे दुकान नहीं खुली थी, दुकानें सब खुली है, बट क्या है कि जो एक्स्ट्रा केयर करते हैं अपनी मतलब अपने आप जो थोड़े जागरूक हैं तो ऐसे लोगों को थोड़ा बाहर जाने में डर सा लगता है। सो क्या हुआ कि उनमें से मैं भी हूँ भाई, काफ़ी दिनों से टी शर्ट खत्म हो गई थी तो मुझे लगा कि भाई कुछ बदलने के लिए नहीं है, सो मैं बाहर कैसे जाऊँगी, स्टोर जाने में तो डर लग रहा है। और फाइनली रिस्क लेके चलेगा एक दिन अपने सिटी में डिकैथलॉन के शोरूम, सामान तो मैं वहाँ से बहुत कुछ लाया। फिलहाल ये दो चीज़ें जो हैं वो मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। बहुत सिंपल से दो टी शर्ट लाया था, एक तो ये हो गई ब्लैक और एक वाइट। इसके अलावा भी कुछ लाया हूँ जो कि आई विल शो यू लेटर। एक चीज़ का आंसर देना, यहाँ पे जो मैंने पिछला वाला वीडियो डाला था साइकिलिंग का वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा बन गया था, 32-32 मिनट का, पता है वो बेसिकली बड़ा है, लेकिन मैंने कहा था कि मैं पहला ब्लॉग जो है प्योर डालना चाहता हूँ, उसमें कोई भी मिलावट नहीं करना चाहता और मैं खुद उससे फील करना चाहता था कैसा है इस तरह की वीडियो कैसे बनती है और साथ में ये भी कि इसका फ्यूचर क्या है, क्या ये चलेगा कि नहीं। तो बात आती है कंक्लूजन की, तो क्या मुझे समझ में आया, तो भाई मुझे ऐसा लगा कि हाँ वो चल सकता है बट यहाँ पर एडिटिंग की काफ़ी अभी ज़रूरत है, तो काफ़ी अच्छी तरह से जब एडिटिंग करूँगा तभी कुछ हो पाएगा। और हाँ केवल एडिटिंग नहीं, थोड़ा कुछ कॉन्टेंट भी डालना पड़ेगा, तो अगर वो वीडियो नहीं दिखाया तो देख लेना, चैनल पे अवेलेबल है और कार्ड्स में भी दे दूंगा, और अगर कार्ड्स में नहीं दिया तो नीचे डिस्क्रिप्शन में तो पक्का दे दूंगा। साइकिल लेने के बाद बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि मुझे आपके साथ डिस्कस करनी थी, जैसे साइकिल कुछ पॉजिटिव और कुछ नेगेटिव पॉइंट, कुछ चीज़ें मुझे शॉक कर रही हैं रियली में शॉक कर रही हैं, कुछ चीज़ें मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे जो कंपनी चीट वीट तो नहीं कर रही है। फिलहाल बताने का मेरा जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी तो नहीं बनेगी बट ब्लॉगिंग करता हूँ तो मैं बता ही देता हूँ आप लोगों को, आप लोग से कनेक्टेड हूँ सो इसलिए मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उस तरह से बनती है कि हाँ मैं आपको बता दूँ। तो अगर तुम लोग भी सोच रहे हो कि पन्नी मैंने क्यों लगाई, तो यहाँ पे एक चीज़ समझ लो कि यहाँ से पानी बहुत आता है अंदर, तो यहाँ पे क्या होता है कि छींटे ऑलरेडी पड़े हुए, तो बहुत सारा पानी अंदर रहता है, देखो यहाँ पे छींटे वीटे जैसे पड़े और ये सब मिट्टी सी हो गई है और बेसिकली ये कच्चा रूम है तो यहाँ पे पानी अंदर आ जाता है, सो वो ना आए इसलिए मैंने ये पन्नी का जुगाड़ बना रखा है। और जब से ये लगाया है तब से बड़ा मज़ा आता है, और बाहर वाले दरवाजे में भी यही लगाया हुआ है, बाहर वाले दरवाजे में कुछ इस तरह से लगाया हुआ है, और इसके लगाने के बाद क्या है कि दरवाजे बच जाते हैं पानी से, दरवाजे पानी से बच जाते हैं और काफ़ी ज़्यादा सेविंग हो जाती है, दरवाजों की लकड़ी वकड़ी सब सही हो जाती है। ये तो सुबह से पानी बरस रहा था, और ये है बाइक, अरे यार बाइक नहीं साइकिल, चलो उसको निकालते हैं भैया। देखो क्या कर दी मैंने इस हालत, जगह जगह से फटा हुआ है। सो ये हमारी साइकिल जिसको हम आजकल रोज़ सुबह आपको दिखाते हैं, रोज़ तो नहीं मतलब जब भी टाइम पड़ता है सुबह ही दिखाते हैं। रही बात इसके कवर की, तो भाई कवर अभी फटा हुआ है, सो अभी क्या है कि मुझे कवर लेना है, बट प्रॉब्लम ये है कि सारे कवर इस समय महंगे आ रहे हैं। क्या है कि मैं अभी जो है सस्ता कवर लेना चाहता हूँ, डिस्क्रिप्शन में बता दो अगर कोई सस्ता कवर दिखता है तो फिर लिंक दे दो मुझे, खरीद लेंगे, सस्ता खरीद लेंगे। फाइनली सुबह से बहुत ज़्यादा बारिश सी हो रही थी, उसके बाद थोड़ा मौसम खुल गया और काफ़ी अच्छा लग रहा है, वाह क्या मौसम है, ऐसा मौसम हमेशा होना चाहिए। तो देखो बरसात बंद होने के बाद ये चींटी अपना खाना ढूंढ रही है, खाने की तलाश में ये चींटी दर दर भटक रही है और इसको बहुत जल्दी खाना मिल जाएगा अगर इसी तरह से प्रयास करेगी। ठीक उसी तरह से जैसे अथक प्रयासों के बाद मुझे थोड़ी सी सक्सेस मिली है, और वैसे मेरे दूसरे वाले चैनल पर जैसे मच्छर हैं वैसे मच्छर नहीं होने चाहिए, क्योंकि जब वो मच्छर काटते हैं तो फिर क्या बताऊँ क्या हो जाता है। और वैसे भी आई एम प्लानिंग अबाउट नेक्स्ट साइकिल व्लॉग, कि मुझे नेक्स्ट साइकिल व्लॉग में किधर जाना चाहिए। और भाई अभी थोड़ी देर पहले क्या बताऊँ यार, क्या टेंशन हो गया था, सोच रहा हूँ बताऊँ ना बताऊँ,
तो छोड़ो यार, कभी मौका पड़ेगा तो बता देंगे, लेकिन कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ हुई थी सो कभी बता देंगे, साइकिल ब्लॉग में ही बता देंगे, लेकिन बाद में, लेकिन तब जब वो बताने वाली चीज़ होगी तो। ओके गाइस, तो आज है 21 अगस्त और सुबह का टाइम है, लगभग बज रहे हैं 9 बज रहे हैं और मैं इस वीडियो को दोबारा से कंटिन्यू कर रहा हूँ। सो गाइस, ये है आज का मौसम। वाह, क्या मौसम है, और ये धुंधली से क्यों हो रही, मेरे कैमरे का लेंस सही नहीं। हाँ, आप सही है। तो इस तरह का मौसम हो रहा है, कुछ ज़बरदस्त और बढ़िया बढ़िया हवा चल रही है। वो देखो पेड़ मिले, और इधर आओ नीचे, वो है मेरी साइकिल ठीक वहाँ पे गाड़ी के बगल में। तो इसको देखने में इंटरेस्टेड हो, यहाँ पे बेसिकली कुछ इस तरह का हाल है। यहाँ पे फूल के पौधे और ये है घुइया, घुइया कहते हैं ना इसको, अलग अलग जगह पे अलग अलग कहते हैं। और बाकी सब नींबू वींबू के पेड़ लगे हुए, तो कुछ इस तरह का सुबह व्यू यार काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी देता है, और ऑक्सीजन तो देता ही देता है ऑब्वियसली। लोन कुछ ऐसा पड़ा हुआ है गंदा संदा, और पत्ता गिरा हुआ है, साफ नहीं हुआ, कोई आने वाला नहीं है, ऊपर लकड़ी लटकी हुई है, लेकिन जो व्यू है ना, इस व्यू की क्या बात है, मतलब क्या हवा चल रही, वाह। आज सुबह का मौसम, मतलब मैं सोचा कि कैमरा उठा लो और बाकी सारे काम जो है ब्लॉगिंग के वो कंप्लीट कर लो, ताकि नए वाले उसके साथ में नया वाला शूट करूँ। सो गाइस, दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप कि वीडियो आपको थोड़ा सा अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर। मैं बहुत जल्दी कुछ इंटरेस्टिंग कंटेंट लाने की कोशिश करूँगा। ओके बाय, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।